हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एसटी शर्मा। और आज 26 तारीख है, सुबह के 7 बजे हैं, संडे है, बहुत से लोगों के लिए फंडे है और हमारे लिए काम का दिन है। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि स्टॉक तो मेरे पास बहुत सारा आया हुआ है, तो उस स्टॉक को संभालने के लिए कैजुअल्टीज़ भी बहुत हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि कैजुअल्टी नहीं हुई है, बट जो रूटीन है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं अभी पानी चेंज करने जा रहा हूँ। अभी मेरे पास, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये है फिश रूम। मेरे पास अभी जो फ़िलहाल की घड़ी में टैंक चल रहे हैं वो ये हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सिर्फ ऊपर वाला फिश रूम है, इसमें 7 टैंक मेरे रनिंग में हैं। तो इन 7ों का मुझे पानी चेंज करना है। और संडे को हमारे यहाँ मोस्टली पावर कट लग जाता है तकरीबन 9 बजे के करीब, तो उससे पहले पहले मुझे इनका पानी चेंज करना है, इसीलिए मैं 7 बजे अभी पानी चेंज करने लगा हूँ। अब ये इतना सारा पानी जब वॉल्यूम निकलेगा तो नेचुरली है कि पानी वेस्ट भी होगा। तो मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ कि इस पानी को कभी भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस है, बहुत रिच है ये आपके प्लांट्स के लिए। तो जैसा कि आपको मालूम है, मुझे भी प्लांट्स का भी शौक़ है। तो एक जनरल सा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये है मेरे प्लांट्स, ये इतने सारे गमले मैंने पॉट्स जो हैं रखे हुए हैं और इनको मैं पानी देने लगा हूँ। तो वो जितना पानी निकालूंगा उसमें से, वो सारे का सारा मैं इसमें कंज्यूम करूँगा। पूरा पानी कंज्यूम नहीं होगा वो मुझे भी मालूम है, कुछ पानी तो खैर वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना पानी हो मैं वो उसमें दे दूँ। तो अभी मैं पानी चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन बनती है। अभी आप देख सकते हैं फिशेस वैसे तो सारी एक्टिव हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अब वाटर चेंज के बाद। तो अभी हमने पानी चेंज कर दिया है, सिर्फ ऊपर वाले फिश रूम का पानी चेंज हुआ है और प्लांट्स को मैंने सबको पानी दे दिया है। आप देख सकते हैं गमलों के नीचे, पॉट्स के नीचे पानी होगा, अब तक तो सूख भी चुका है। और इनकी हालत बहुत ख़राब थी कल, और आज मैंने इनको अच्छी तरह से पानी दे दिया है। ये देखिए, पानी वेस्ट नहीं किया, थोड़ा बहुत पानी वेस्ट हुआ एक आधे टैंक का अदरवाइज़। और अभी देखिए पानी चेंज करने के बाद की पोजीशन, चेंज हो चुका है पानी। फ़िल्टर मैंने साफ़ नहीं किए हैं, फ़िल्टर मैं एक्चुअली कल साफ़ कर चुका था, तो आज मैंने सिर्फ पानी चेंज किया है। अभी ये ऑस्कर्स, और एक स्पंज मैंने इसमें और एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये नया स्पंज था, मुझे किसी को देना है तो पहले से बैक्टीरिया उसमें जर्मिनेट हो जाएं, इसके लिए मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया है ताकि जब वो लेने आए तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये हमारा मिक्स फिशेस टैंक, और ये है हमारा प्लांटेड टैंक। प्लांट्स में सिर्फ वेलिसनेरिया की ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है जो कि स्टेबल हुई है। सोर्ड प्लांट जो है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, पता नहीं चलेंगे या नहीं चलेंगे, आई डोंट नो। उसके बाद नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है हमारा कोइज और शार्क्स वाला टैंक और ईल वाला टैंक। ईल तो इसमें गायब ही हो चुकी है,
बड़ी दिक्कत आ रही है मुझे उसको फीड करने में। रीज़न क्या है कि ऑस्कर वाला टैंक तो एक्चुअली मैंने ईल के लिए ही बनाया था, बट अब वो मेरी पकड़ में ही नहीं आ रही है। उसको पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये है हमारी टिन फॉइल, देखिए बहुत एक्टिव फिशेस हैं ये। और ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी सकर माउथ कैटफिश। और उसके बाद लास्ट में ये है हमारी गोल्ड फिश। गोल्ड फिश में तकरीबन आधी फिशेस जो हैं, मैंने 15 फिशेस मंगवाई थी, उसमें से 8 फिशेस जो हैं उनकी कैजुअल्टी हो चुकी है। पहले मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है मेरे टैंक में, बट मैं दिखाता हूँ आपको कि गड़बड़ है क्या। क्योंकि आज पानी चेंज करने के दौरान जो चीज़ मुझे नज़र आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। नज़र आ रही है आपको? मैं थोड़ा सा इसको छाया में लेके आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगर लाइट जल जाए तो। यस, ये देखिए, जो कैजुअल्टी है वो इसकी वजह से हो रही है। आप देख सकते हैं ये फिश लाइस है। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो देखिए ये पीछे पीछे छोटे छोटे, ये देखिए, यानी कि ये ब्रीड हो चुकी है टैंक में। तो उस टैंक में मैं कुछ और अभी शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। तो पहले मुझे इसे डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा इसमें मेडिसिन वगैरह डाल के। तो आप खुद देख सकते हैं, देखिए ये होती है फिश लाइस। इस फिश लाइस की वजह से ही, ये नहीं है कि सिर्फ इसी एक फिश लाइस की वजह से ही ऐसा हो रहा है, जी नहीं, ये बहुत सारी फिश लाइस होती हैं और फिर ये अंडे देती हैं। देखिए उसके साथ साथ उसके बच्चे भी शायद चल रहे हैं। तो मैं इनको कहीं नाली वगैरह में रिलीज़ कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की कोई पाप हो। तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी कभी आप फिश लेने जाते हैं तो उसकी बॉडी पे इस तरह के पैरासाइट्स जो हैं वो चिपके हुए नहीं होने चाहिए। ये ख़ास तौर पर आपको चेक करना है पहले। तो ये था एक वाटर चेंजिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आगे फ्यूचर में मैं वीडियो डालूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें और आप किसी भी तरह की कोई इम्पोर्टेंट अपडेट, इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट से वंचित ना रह पाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।